भाजपा को छोड़कर पलवल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यालय है कांग्रेस का, जिला कार्यालय, यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही है। दर्जनों कांग्रेस के जो में शामिल हुए हैं ये कार्यकर्ता, पहले भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। पूर्व मंत्री ने इनका स्वागत किया है, पार्टी का पटका पहनाकर जो है पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। लाल साहब, क्या कहोगे जिस तरह से जो ज्वाइनिंग लगातार हो रही है, हर हफ्ते की बात करें या महीने की बात करें, तो क्या जनता किस तरह से जो भाजपा की छोड़कर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रही है? ये आज हमारे इलाके का ऐतिहासिक गांव असावटा गांव से जो पूर्व सरपंच साहब और बहुत ही बड़े इलाके के सरदार लोगों ने आज भाजपा को छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और उसकी वजह है कि जो किसान मजदूर कमेरे वर्ग के साथ भाजपा के राज में जो ज्यादति हो रही है, जो आज महंगाई की मार आम आदमी के ऊपर पड़ रही है, नौजवान जो बेरोजगारी से मायूस हो रहे हैं, और चारों तरफ हर कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो असावटा गांव हमारे इलाके का एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जिन्होंने हमेशा इस इलाके को हर सामाजिक राजनीतिक लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया है, इलाके को बचाने का काम किया है। तो इस घुटन से, भाजपा की घुटन से निकल करके आज सभी हमारे माननीय साथी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सब उनका धन्यवाद करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, और हमने यही विश्वास दिलाया है कि इलाके को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिला करके हम दिन और रात एक करके मेहनत करेंगे। फरीदाबाद लोकसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट आपने कहा पार्टी टिकट देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, क्या इसी मुहिम में आप जुड़े हुए हैं, दूसरी पार्टियों से जो कार्यकर्ताओं को शामिल कराया जा रहा है? नहीं, ये जो साथी आए हैं इनका चुनावों से कोई इतना बड़ा सरोकार नहीं है, बल्कि कांग्रेस की नीतियों में, विचारधारा में इन्होंने विश्वास जताते हुए पार्टी में शामिल हुए हैं। रहा सवाल चुनाव का, तो अगर लोकसभा की टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे, और अगर कोई पार्टी का और फैसला होगा तो विधानसभा लड़ेंगे। लेकिन सवाल एक ही है कि कांग्रेस को मजबूत करके, जो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का लोग मन बना चुके हैं, इनकी आज की ज्वाइनिंग से कांग्रेस को ना केवल हमारे हरियाणा हमारे इलाके में बल्कि पूरे हरियाणा में ये एक संदेश जाएगा, और जो भाजपा से पूरे हरियाणा में लोगों में सभी वर्ग और सभी वर्ग में, सभी समाज में, सभी बिरादरियों में जो असंतोष बढ़ रहा है, ये आज बीजेपी छोड़ करके जो असावटा गांव की सरदारी आज आई है ये एक उसकी मिसाल है, और ये साफ इस बात को दर्शाती है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। जो बेरोजगारी इलाके में बढ़ी है हम उसको ठीक करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। जो महंगाई की मार आज पड़ रही है, तो जैसा हमारा ऐलान है कि 300 यूनिट बिजली हर घर में हम मुफ्त देंगे। जो बुजुर्गों की पेंशन है उसे 6000 रुपये करेंगे। जो बहन बेटियों को गैस का सिलेंडर आज 1200 रुपये में खरीदना पड़ता है उसे 500 रुपये में देंगे। जो गरीबों के इलाज के लिए आज प्राइवेट अस्पतालों में जो पैसा नहीं है लोगों के पास, तो राजस्थान की तर्ज पर हम 25 लाख तक का इलाज सरकार की तरफ से लोगों को कराएंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों को कुछ राहत। यानी कि जो यहाँ पर आयुष्मान का जो इलाज है 5 लाख तक, आप उसे 25 लाख तक का करेंगे फ्री? बिल्कुल जी, वो हिमाचल और कर्नाटक में हमने पहले ही किया हुआ है, और पेंशन भी जैसे पहले बना करती थी वैसे ही पेंशन को बनाने का काम शुरू करेंगे। बुजुर्गों की पेंशन या फैमिली आईडी में बड़ी दिक्कत है लोगों को, जो काफी मशक्कत करनी पड़ती है, समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या कहोगे सर? ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भाजपा की सरकार ने ऑनलाइन फैमिली पहचान पत्र, कहीं किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा खेत मेरा पानी, ना जाने कितनी तरह के झूठे नारे लगा करके लोगों को तबाह करने का जो काम किया है। इनकी सारी इन वाहियात स्कीमों को हम खत्म करेंगे, और जो भी भाई दफ्तर कार्यालय में आएगा उसी वक्त उसका काम होगा, पेंशन भी गांव में बनेगी और वहीं बांटने का काम करेंगे हम, ये बैंकों का धंधा भी खत्म करेंगे। क्या वजह रही जो आपने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है? हम बीजेपी के उसमें भी देख लिए, हमने उनके कार्यकाल में कोई इतना अच्छा वो मतलब नहीं मिला, तो दलाल साहब से और कांग्रेस से मिलकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई, और हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, गठबंधन से हम साथ देंगे। क्या नाम है आपका, आज आप कांग्रेस में आए हैं? मैं बीजेपी की नीति से उसे कारण हम दलाल साहब के साथ मिलना चाहते हैं। कितने कार्यकर्ता हैं आप जो आज ज्वाइन किया? काफी हैं, 40-50 लाख।
ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, और जो यहाँ पर भाजपा को छोड़कर जो दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जो भाजपा की नीति है उनको से परेशान होकर वो जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल कहा कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का रुझान बढ़ रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देती है तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उन्हें यदि विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है, निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनेगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।